बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ के बाद मनाए जाने वाला एक और ऐसा त्योहार है जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे हम जीतिया के नाम से जानते हैं। इस वर्ष भी बिहारी माताओं बहनों में जीतिया को लेकर काफी उत्साह है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। जीतिया व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है। इस साल 17 सितंबर 2022 शनिवार को नहाय खाय है। 18 सितंबर 2022 रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 19 सितंबर को सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। सप्तमी से शुरू हो जाते हैं जीतिया व्रत के नियम। आपको बता दें कि हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखने का विधान है। जीवित पुत्री का व्रत को जीतिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सप्तमी से शुरू होती है और नौमी तिथि को समाप्त हो जाती है। यह जीतिया का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताएं रखती है। जीतिया व्रत नहाए खाए में मड़ुआ रोटी खाने का रिवाज है। आपको बता दें कि जीतिया व्रत के ठीक एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, जिसमें महिलाएं मड़ुआ की रोटी बनाती है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक स्त्री द्वारा रखा जाता है। मान्यता है कि जो माताएं इस व्रत को करती है उनकी संतान की उम्र लंबी होती है और संतान को जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं यदि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।